जैसा हम सभी जानते हैं, IFPH एक कोशिश है जिस कोशिश के तहत हम बहुत सारे डॉक्टर्स को एक साथ जोड़ना चाहते हैं और उनके ज्ञान को फैलाना चाहते हैं, प्रोपोगेट करने की इस कोशिश में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कौशल कुमार सवेरा जी। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। सर ने अपना BHMS कंप्लीट किया 2009 में RBTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से। सर का MD कंप्लीट हुआ 2015 में रेपर्टरी एंड केस टेकिंग के सब्जेक्ट से NIH कोलकाता से। सर अपना PhD परस्यू कर रहे हैं केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, एनरोल हुए थे 2022 में। सर के पास 7 ईयर से ज़्यादा का रिसर्च एक्सपीरियंस है। सर ने जनवरी 2016 से लेके सितंबर 2016 तक रिसर्च एसोसिएट थे सर CRUH सिलीगुड़ी में। उसके बाद से आज तक सर रिसर्च ऑफिसर एंड साइंटिस्ट हैं NRIMH कोटायम में। सर ने काफ़ी सारे पब्लिकेशंस किए हैं पीयर रिव्यूड जर्नल्स में और नॉन रिव्यूड पीयर जर्नल्स में भी। इसके अलावा सर ने काफ़ी सारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप भी प्रेजेंट किए हैं, जिसमें से कुछ हैं रोल ऑफ फार्मेको विजिलेंस इन ड्रग प्रूविंग, फार्मेको विजिलेंस इन ड्रग प्रूविंग एंड क्लिनिकल ट्रायल, प्री रिक्विजिट्स ऑफ रिसर्च, ड्रग प्रूविंग साइंस बिहाइंड ओरिजिन ऑफ होम्योपैथी, साइंटिफिक वैलिडिटी एंड चैलेंजेस। आज का सर का टॉपिक बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में है। मैं चाहूंगा कि सर अपना आज का टॉपिक शुरू करें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद धन्यवाद इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सानी सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज के, मतलब अपने ये जो लगातार जो आपका चल रहा है प्रेजेंटेशन, उसमें मेरा जो भी अनुभव है उसको साझा करने के लिए। और मुझे लगा कि जो हम कर रहे हैं उसी को शेयर अगर करते हैं तो सभी को ज़्यादा फायदा होगा। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोमेडिकल अनुसंधान के लिए नैतिक दिशा निर्देश और उचित नैदानिक प्रथाएं। स्लाइड मूव नहीं हो रहा है ना? हेलो, नहीं सर, अभी तक नहीं हो रहा है। ये जब पूरा फुल स्क्रीन हुआ तो मूव नहीं हो रहा है। सर उसको फुल स्क्रीन करने के बजाय ना वो जैसे नॉर्मल पावर पॉइंट में दिखाते हैं वैसे ही रखिए, तब होगा। वही हमको भी लग रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है ऐसा। स्लाइड शो में हैंग होने का थोड़ा सा डर रहता है, वो नॉर्मल में मैनेज हो जाएगा। अभी दिख रहा है जी सर, बिल्कुल विजिबल है। तो इसका है, मतलब जो एथिकल गाइडलाइंस एंड गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इन बायोमेडिकल रिसर्च। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स इज द फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन दैट पर्टेन टू आवर नोशन टू डिफ्रेंशिएट गुड फ्रॉम बैड। ये सब हम लोग जानते हैं कि एथिक्स क्या है। हम जो अच्छे, जो भी अच्छे को बुरे से जो ये करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो जो हमारा मॉरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के लिए, जो सही होना चाहिए सोसाइटी के लिए, वो सही काम जो हम करते हैं वही एथिक्स है। और इसी एथिक्स को जब हम बायोलॉजिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं तो बायो एथिक्स हो जाता है। अब जब बायोलॉजिकल साइंस के साथ साथ अब रिसर्च, जैसा कि आप, हम लोग हर लोग जानते हैं, हर एक सब्जेक्ट जो, हर एक काम जो हम करते हैं, सब में एथिक्स बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं एथिक्स को फॉलो करेंगे तो हर जगह जो भी उसमें काम कर रहे हैं या जो भी लोग हैं, वो कुछ ना कुछ फायदा, कोई ना कोई ऐसा लोग होगा जो उसमें फायदा उठाना चाहेगा। तो इस कारण से सारे जो भी क्षेत्र हैं, जो भी एरिया हैं, चाहे रिसर्च का हो, मेडिसिन का हो, या फिर इवन आर्ट्स में जो होते हैं, जो मतलब जो भी जिस तरह का भी प्रैक्टिसेस, जियोलॉजी और भी सारे सारे में कुछ ना कुछ एथिक्स, हर जगह एथिक्स किया हुआ है कि सब लोग कम से कम एक एथिक्स फॉलो करें, जो सही काम है वही करें। तो जब हम देखते हैं रिसर्च, इसको रिसर्च इन बायोमेटिक्स, इसको जो है CIOMS जो इंटरनेशनल संस्था है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो डिफाइन करता है इसको साइंटिफिकली डिजाइंड एक्टिविटी और एक्टिविटीज टू डेवलप
contribute and or improve the theories, principle, relationship and accumulation of information pertaining to betterment of human life and healthcare. Ultimately, चाहे कुछ भी हम लोग apply करें, फायदा हमारे society को होना चाहिए, human race को होना चाहिए, उसको हर हाल में हर तरीके से उसको फायदा मिलना चाहिए, चाहे जो भी हम काम करें. तो रिसर्च बायोएथिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोएथिक्स दैट डील विद द एथिक्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. जैसा कि टॉपिक से ही पता चलता है कि जो मेडिकल फील्ड में जो भी हम लोग रिसर्च एथिक्स फॉलो करते हैं, स्पेशली इन रिसर्च के फील्ड में, तो उसको रिसर्च बायोएथिक्स हम लोग बोलते हैं. अब हम देखेंगे कि ये जो रिसर्च बायोएथिक्स का एवोल्यूशन कैसे हो, क्यों जरूरत आया इसका, क्यों हमें जरूरत पड़ा एथिक्स को फॉलो करने का. इसके पीछे बहुत सारे पास्ट में जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हुए जिसके कारण से इस तरह से मतलब हम लोग को एक वेल डिफाइन करके एथिक्स को डिफाइन करना पड़ा. उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़े एथिक, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो सब लोग बस अपना फायदा के लिए, जो भी उसको फायदा होना वैसा ही काम करना, हमेशा एक ह्यूमन नेचर है, वो करते आया है हमेशा से. तो ऐसा बहुत सारा पास्ट में हुआ ऐसा ऐसा घटना, तो उसके कारण से बहुत सारा जो मतलब अलग अलग संस्थाएं अलग अलग देश से जो जो सही में जो जिनको ये सही नहीं लगा कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने बैठ के अनेक बहुत सारी कमिटी बनी, उन्होंने बैठ के एक रूल्स रेगुलेशन बनाया. तो और जैसा हम लोग जानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई रिलीजन हो, रेस हो, कुछ हो, हर जगह कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि एथिक्स को फॉलो करना चाहिए. हम लोग को जो भी ह्यूमन रेस है उन लोग को जो भी गुड कंडक्ट है सोसाइटी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, एक दूसरे के लिए जो होना चाहिए वो होना चाहिए. और हम लोग सब जानते हैं इवन वेदा में, सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, भागवत गीता में, हर जगह ही एथिक्स को फॉलो करने का बात लिखा हुआ है. और जैसा हम लोग सारे लोग जो मेडिकल साइंस से हैं, सब लोग जानते हैं कि जो हिप्पोक्रेटिक ओथ, जो पहले भी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सारे लोग हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं, इसके ये भी है. तो ये जो एथिक्स का जो बात है ये आज से नहीं है, हमेशा से ये एथिक्स के लिए कोई ना कोई अपने तरीके से एथिक्स को आगे लाने का प्रयास करते ही रहा है हमेशा से सब लोग. विद द राइज ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज द नीड फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड एथिक्स वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाई अमेरिकन एंड ब्रिटिश डॉक्टर जॉन ग्रेगोरी एंड थॉमस परसीवर. तो बाद में जब 17th-18th सेंचुरी में बहुत सारा रिसर्च साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होने लगा और सब लोग बस जैसे भी रिजल्ट चाहिए मिलना चाहिए इस तरह से करके सब लोग यूज करने लगा, कोई भी तरीका से, गुड मतलब अच्छा तरीका हो, खराब तरीका हो, सही हो, गलत हो, यो अप्लाई करके रिसर्च करने लगा. तो ये सब देखते हुए ये सब धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ इसका. एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस ये कोड ऑफ न्यूरमबर्ग 1947 एवरीबॉडी हम लोग सब लोग सुनते होंगे. इसमें क्या हुआ कि जो सब लोग जानते हुए नाजी लोग जो थे, जो हिटलर जो था उसका नाजी, वो लोग क्या किया, ज्यूस लोग को पकड़ के कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन कैंप्स होता था वहां पर रखा, उसमें बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट, वो लोग तो उसके लिए कैदी था तो उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, गैस पूरा जो एक चेंबर में बंद कर दिया, गैस एकदम भर दिया, देख रहा है कैसे वो लोग मर रहा है, वो भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट था. तो इस तरह से करके वो लोग करता था एक्सपेरिमेंट. तो ये वन ऑफ द मतलब इम्पोर्टेंट टाइम था जिसके कारण ये सब आया. तो इसमें इसके बाद क्या हुआ, जो ये कोड ऑफ न्यूरमबर्ग है उसमें बोला गया, ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन एनी स्टडी ओनली विथ देयर वॉलेंट्री कंसेंट. आप कोई भी आदमी को इसी तरह सीधा पकड़ के कोई भी रिसर्च में नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए क्या है, उसको वॉलेंट्री कंसेंट देना होगा उस आदमी को पर्टिकुलरली कि हाँ भाई हम आपके इस रिसर्च में, जब वो पूरा पढ़ लेगा देख लेगा कि हाँ सही है तो उसमें वो हेल्प करेगा. द एक्सपेरिमेंट शुड यील्ड
फ्रूटफुल रिजल्ट फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। इसी तरह आप फालतू का रिसर्च नहीं करते चले जाएंगे, इसी तरह कोई भी जब भी जो मन में आया आपका, आपके फैंसी से, आपके मन से नहीं होगा, वो जो रिसर्च होगा वो सोसाइटी के लिए सही होना चाहिए, ह्यूमन रेस के लिए सही होना चाहिए, तभी वो करेंगे। और एंटिसिपेटेड रिजल्ट शुड जस्टिफाई आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और पहले से आपको बोलना है, बताना है कि भाई इस तरह का रिजल्ट आने का हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और यह सबके लिए फायदेमंद है। ऑल अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग और इंजरीज टू द सब्जेक्ट आर टू बी अवॉइडेड। चाहे कैसा भी आप कर रहे हो रिसर्च, लेकिन आपका कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन उसमें अननेसेसरी फिजिकल और मेंटल सफरिंग नहीं होना चाहिए किसी को। नो रिसर्च इज टू बी कंडक्टेड इफ प्रायरी रीजन टू प्रेजेंट टू बिलीव दैट डेथ और डिसेबलिंग इंजरी सेल अकर। और चाहे कैसा भी रिसर्च हो, अगर हमको मालूम है कि हो सकता है इसके बाद उसके जान चला जाए, वो आदमी डिसेबल हो जाए, अपंग हो जाए, तो उसको अवॉइड करना है। और जो रिसर्च जो लोग भी करेंगे वो साइंटिफिकली क्वालिफाइड पर्सन। अब हम होम्योपैथी के बारे में जो भी रिसर्च करेगा तो कोई होम्योपैथी क्वालिफाइड आदमी ही कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी करना शुरू कर देगा वो रिसर्च, नहीं कर सकता है। और जो भी आदमी उस रिसर्च में हिस्सा ले रहा है, जो भी उसका पार्टिसिपेंट है, उसको पूरा लिबर्टी है कि कभी भी उसको लगेगा कि ये रिसर्च सही नहीं है या उसके लिए सही नहीं है, तो जब मन होगा वो उसको छोड़ सकता है। आप उसको प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि हम इतना रुपया तुम्हारे पे खर्च कर चुके हैं, अब तो तुमको भाई एक्सपेरिमेंट मेरा पूरा करना होगा, ऐसा आप उसको नहीं कह सकते हैं। साइंटिस्ट इन चार्ज मस्ट बी प्रिपेयर टू टर्मिनेट एक्सपेरिमेंट एट एनी स्टेज टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड वेलबींग। और उसके अलावा जो बहुत सारा जो कमिटी होता है, एथिकल कमिटी होता है, डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग कमिटी होता है, वो सब लोग को हमेशा रिपोर्ट देना है। उन लोग को जहां भी लगा कि इस रिसर्च के कारण कुछ नुकसान होने वाला है, तो वो रिसर्च को कभी भी चाहे रोक सकता है। उसके बाद एक आता है डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, फिनलैंड में एक जगह का नाम है हेलसिंकी, वो 1964 में। इसमें क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस उस समय भी एक थैलीडोमाइड डिजास्टर के बारे में शायद आप लोग सब लोग जानते होंगे। वो एक थैलीडोमाइड एक मेडिसिन है, उस समय स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान जो मॉर्निंग सिकनेस होता था उसके लिए मेडिसिन यूज होता था। तो मेडिसिन तो इफेक्टिव था, मॉर्निंग सिकनेस तो रुका था, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हुआ उसी दरमियान, पूरा एकदम लगभग उस दशक में ऐसा हुआ कि बहुत सारा जो बर्थ डिफेक्ट हो देखा जाने लगा बच्चे लोग में, बर्थ डिफेक्ट हो रहा है। तो उन लोग फिर अब उसमें रिसर्च किया कि बर्थ डिफेक्ट क्यों हो रहा है, लगभग 12,000 नया बॉर्न जो था बर्थ डिफेक्ट, उसमें किसी का पैर ही नहीं रहता था, किसी का हाथ ही नहीं रहता था, इस तरह का डिफेक्ट होने लगा था। तो उन लोग जब रिसर्च किया तो पता चला ये मेडिसिन से ही हो रहा है, थैलीडोमाइड से। तो उसको इमिडिएटली रोका गया, मार्केट से वापस लिया गया, और इसके बाद बहुत सारा उसमें रूल रेगुलेशन कोड दिया गया कि कैसे रिसर्च करना है। और ये जो है, यही जो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ की है, यही बेसिस बना गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, जिसके बारे में आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि रिसर्च में कैसे फॉलो करना है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसमें मेन इशू क्या क्या एड्रेस किया गया है डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ की में, रिसर्च ऑन ह्यूमन शुड बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ ए स्टडी इन लेबोरेटरी एंड एनिमल एक्सपेरिमेंट। पहले भाई आपको लेबोरेटरी में एनिमल पर या लोअर सेल पर, इन विट्रो इन वीवो पहले रिसर्च करो, उसके बाद जाके ह्यूमन पे आपको रिसर्च करना है। रिसर्च प्रोटोकॉल शुड बी रिव्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट कमिटी प्रायर टू द इनिशिएशन ऑफ द ट्रायल। यहीं से आया कि जो भी प्रोटोकॉल है उसको इंडिपेंडेंट एक कमिटी बनाओ, मतलब जो IEC अभी हम लोग एथिकल कमिटी बनाते हैं वो यहीं से शुरू हुआ। उसके बाद सारे पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, जो भी जैसा कि पहले वाले में था उस तरह से इसमें भी बोला गया है, जो मेडिकली और साइंटिफिकली क्वालिफाइड जो आदमी है वही रिसर्च कर सकते हैं। और रिस्क जो है, जो भी जैसे अब इसमें क्या था, रिस्क ज्यादा था, बेनिफिट मान लो मॉर्निंग सिकनेस तो कम हो गया लेकिन बर्थ डिफेक्ट होने लगा, यहाँ रिस्क ज्यादा हो गया बेनिफिट से, तो कोई भी हालत में रिस्क ज्यादा नहीं होना चाहिए बेनिफिट से। हमेशा हर रिसर्च में सब लोग देखता है कि कितना रिस्क हो रहा है कितना बेनिफिट हो रहा है, अगर बेनिफिट इन रिलेशन टू द रिस्क ज्यादा हो रहा है तो वो फर्दर रिसर्च जाता है और वो प्रोडक्ट भी मार्केट में उतरता है,
लेकिन जहां रिस्क ज्यादा हो गया फिर उसको वहीं पर उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद एक बेलमोंट रिपोर्ट 1979 में आया, इसमें क्या था 1932 से लेके वहां पर वो लोग क्या था अमेरिका में जो ये जो ब्लैक लोग होता था उसको वो लोग जैसे जो सिफिलिस जिसको हो जाता था उन लोग को बोलता था कि आओ तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे, लेके आता था। लेकिन वही वो लोग करता था, किसी को प्लेसेबो दे रहा है किसी को मेडिसिन दे रहा है। अब जो इसको प्लेसेबो मिल रहा है उसको मालूम भी नहीं है कि हमको प्लेसेबो मिल रहा है, लेकिन वो लोग उसको प्लेसेबो देते जा रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। उन लोग पूरा उसका प्रोग्रेस देख रहा है कि जो सिफिलिस कैसे प्रोग्रेस होता है, जो नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज क्या है वो पूरा स्टडी कर रहा है कैसे। उन लोगों सारे लोग को मार का उन लोगों जान के पूरे उसका जो लाइफ है उसको पूरा डेंजर में डाल के वो इस तरह से स्टडी। तो इस तरह से भी ये भी बहुत गलत बात है। तो इस तरह से हुआ हुआ था पूरा लगभग 40-50 साल ये रिसर्च चला था। तो उसके बाद एक रिपोर्ट सर वहां के गवर्नमेंट एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसको बेलमोंट रिपोर्ट कहते हैं। उसमें पूरा ये बताया गया कैसे से ये बहुत अनइथिकल चीज हुआ है, और उसके बाद उसमें बहुत सारा गाइडलाइन आया। अब इसमें हम ये सब जो होने के बाद हम देख रहे हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ रिसर्च बाय। तो इसमें अब जो हमारा WHO उसने भी गाइडलाइन दिया है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जो ICH जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन उसका अपना गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस का पूरा सा एकदम कोड और रूल्स रेगुलेशन है। और हमारे इंडिया में जो ICMR है उसका गाइडलाइन भी हम अवेलेबल है, जिसको सारा जो भी इंडिया में जितना भी रिसर्च होता है उसको फॉलो करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि जनरल प्रिंसिपल क्या है बायोथिक्स का, जो कि सारा जो भी जितना भी अलग अलग जो संस्थाएं जिन्होंने अलग अलग समय पे अपना दिया एथिक्स के लिए रिसर्च स्पेशली रिसर्च में रूल्स रेगुलेशन उसका बेसिक क्या है। उसमें बेसिक जो है बेसिस जो है ओनली चार चीज पूरा बेसिक है, ऑटोनॉमी बेनिफिशियंस नॉन मेलेफिशियंस एंड जस्टिस। ऑटोनॉमी क्या है भाई, सारा आप पर्सन को रिस्पेक्ट कीजिए, पर्सन का मन है उसको रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट करेगा, नहीं मन है नहीं करेगा, जब मन है वो चला जाएगा। और बेनिफिशियल मतलब उसको बेनिफिट होना चाहिए, वो रिसर्च में जब वो पार्टिसिपेट किया है तो मतलब उसको उसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन रेस के लिए वो फायदेमंद हो। और नॉन मेलेफिशियंस वो किसी को हार्म ना हो उस रिसर्च से। और जस्टिस मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अपना मन से ऐसा नहीं चुन लीजिए कि वो गरीब है उसको पैसा देते हैं उसको रिसर्च में इंक्लूड कर लेते हैं, वैसे नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या है, हम एक कम्युनिटी में गए उस कम्युनिटी में हम किसी को नहीं जानते हैं, रैंडमली हम सेलेक्ट किए तो चांस सबको है आज उसके साथ मतलब इफेक्ट साइड इफेक्ट होने का उसका बेनिफिट होने का सबको इक्वल चांस हो रहा है वहां पर। तो इस तरह से चीज फॉलो होता है। इसमें कोर वैल्यू क्या है रिसर्च बायोथिस का, जस्टिफाइंग द इंक्लूजन एंड नीड ऑफ ह्यूमन प्रिंसिपल इन रिसर्च। उसके बाद अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और वो उसको जरूरत है कि उसको ह्यूमन पर ही करना है तो आपको जस्टिफाई करना होगा क्यों ह्यूमन पे ही इसको करना है। उसके बाद जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका साइंटिफिक वैलिडिटी आपको इंश्योर करना है। उसके बाद ये आपको देखना है कि ये सोसाइटी के लिए ह्यूमन रेस के लिए ज्यादा फायदेमंद है, नुकसान अगर है भी तो फायदा से बहुत कम है। उसके बाद जितना भी चाहे जो भी हमारा रिसर्च पार्टिसिपेंट है उसको हर स्टेज पे उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसको रिसर्च के दरमियान उसको कोई भी साइड इफेक्ट हुआ या उस तरह से जो भी जो सीवियर इफेक्ट जो होता है साइड इफेक्ट जो होता है स्पेशली रिसर्च के दरमियान तो वो रिसर्च उसके लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। ये ऐसा सारा हम पहले से एंटिसिपेट करके रखेंगे, हो सकता है ऐसा हो सकता है उसके लिए पहले से हम सारा ट्रीटमेंट रेडी करके रखेंगे और जो भी जैसा भी जरूरत होगा उसको हम वैसा हेल्प देंगे। और वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन जो हमेशा बोला जाता है कि इसमें वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन करेगा पार्टिसिपेंट और जब मन होगा वो छोड़ भी सकता है डिस्ट्रीब्यूट। और उस इसके साथ साथ रिसर्च के साथ साथ जो भी आपका रिसोर्सेस है डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिस्क एंड पोटेंशियल बेनिफिट एंड स्पेयर रिसोर्सेस, मतलब वो ये जो पहले हम बताएं आपको कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सारे लोग। इसके अलावा भी है कि मान लीजिए जो हमारा
इन्वायरमेंट है, जो हमारा एटमोसफियर है, उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए कोई भी रिसर्च से। शोइंग रेस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट एंड मेंटेनिंग देयर प्राइवेसी, उसका कॉन्फिडेंशियलिटी सबको मेंटेन करना है हर हालत में। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उसको हम लोग एक्सपोज कर दें। इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कोई भी रिसर्च हो रहा है, कोई भी पेपर पब्लिश हो रहा है, तो उसका नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, उसका फोटो का चेहरा को उसको हम लोग ढक देते हैं, ब्लर कर देते हैं। इसका मेन कारण यही सब है। अपहोल्डिंग ट्रांसपेरेंसी एंड वेरासिटी मीन्स ट्रूथफुलनेस होना चाहिए रिसर्च में। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो जो भी पार्टिसिपेंट, उसको सारे चीज आप बताएंगे कि ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं, इससे ये फायदा है, ये नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फायदा ज्यादा है, तो इस तरह से ट्रूथफुल होना चाहिए। और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी रिव्यू बोर्ड है, उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, वो लोग अगर क्लियर करता है तभी हम आगे रिसर्च करेंगे। और हमेशा जो स्पेशली जो क्लिनिकल ट्रायल है, उसको हम लोग जो इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है CTRI, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और ये करवाना सही भी है। उससे आपका जो रिसर्च, जितना भी जो भी रिसर्च है, उसका वैल्यू भी बढ़ता है, उसका जो मीन्स जहाँ भी अगर मान ले आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने जो रिसर्च तो किया, उसके अलावा इसको CTRI में रजिस्टर किया था, मतलब वो उसका रिव्यू अच्छे से हुआ है, उसका आपका जो एथिकल कमिटी रिव्यू किया, उसका CTRI में रजिस्ट्री कर रहे हैं, वहां से भी मॉनिटरिंग हो रहा है, तो अच्छे से रिव्यूड है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो अभी जो पीजी भी रिसर्च करते हैं, तो बहुत मैक्सिमम लोग CTRI में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसी कारण से बाद में कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई भी पूछ रहा है अगर कि आपका CTRI में रजिस्ट्रेशन था, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं हाँ रजिस्ट्रेशन था। द एक्सेसिबिलिटी स्टोरेज एंड री यूज ऑफ डेटा एंड रेमनेंट बायोलॉजिकल सेल टिश्यू और फ्लूड ऑफ पार्टिसिपेंट, वो जो भी हमारा जो डेटा का जहाँ पर जैसा, मतलब हर इसमें नहीं, लेकिन जहाँ पर ब्लड ले रहे हैं या फिर कोई सेल ले रहे हैं, वो सब का ऐसा स्टोरेज होना चाहिए कि वो आसानी से वो हमको मिल जाए। इंश्योरिंग द पार्टिसिपेंट एंड द एसोसिएटेड कम्युनिटी रिसीव द बेनिफिट ऑफ न्यूअर डिस्कवरी इंटरवेंशन और इन्वेंशन, जैसा कि पहले बोले थे आपको, इससे फायदा होना चाहिए सोसाइटी को। हमारा इंडिया में जो है ICMR का जो गाइडलाइन है, अलोंग विथ अदर कंट्रीज, इंडिया ऑल्सो है डिजाइन इट्स ओन रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर रिसर्च बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इवॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम। ICMR का जो गाइडलाइन है, उसका पूरा नाम है, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल एथिक गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट, ये जो है सबसे पहले तो 1980 में इसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट किया गया था, उसके बाद 2000 में इसको पब्लिश किया गया, 2006 में रिवीजन हुआ, और जो अभी लेटेस्ट वर्जन जो है अभी अवेलेबल 2017 में है। इसके अलावा जब कोरोना जब आया, तो उसमें एडिशनल कुछ गाइडलाइन जो कि इस तरह से जो भी कैलेमिटी जो हुआ तो कोरोना जैसा, उस समय में रिसर्च कैसे कर सके जब कोई बाहर नहीं निकल सकता है, या फिर आप डायरेक्टली पेशेंट को नहीं देख सकते, तो उस समय कैसे रिसे, उसका गाइडलाइन अलग से आया था कोरोना होने के बाद। तो ये जो हमारा ICMR का जो गाइडलाइन है, उसमें टोटल 12 सेक्शन है, उसमें जो 12, ये 12 सेक्शन है। अब सारे को हम अभी यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, आप खुद से वहाँ चले, आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ सकते हैं आप, पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है कि एथिक्स क्या है, गाइडलाइन क्या है, IEC कैसे बनाना चाहिए, कैसे कंसेंट लेना है, ये सब सारा बात, कैसे रजिस्ट्री करवाना, मतलब ड्रग को कहाँ रजिस्ट्री वगैरह सब करवाना, ये सब सारा बात अच्छे से लिखा हुआ है डिटेल में। हेलो, आवाज जा रहा है? है ओके सर। इसके बाद जो हम चार बेसिक जो ऊपर में देखे थे, ऑटोनोमी, नॉन मेनेफिसियंस, ये जो चार प्रिंसिपल जो था एथिक्स का, उसको ICMR ने डिवाइड करके 12, उसका 12 जनरल प्रिंसिपल, उसी चारों को डिवाइड करके 12 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। उसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इसेंशियलिटी,
ह्यूमन पार्टिसिपेंट क्यों जरूरी है, इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, सिलेक्शन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए जैसा कि पहले बोले, सोशल हार्मोनी मेंटेन रहना चाहिए, प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी पार्टिसिपेंट को मेंटेन होना चाहिए, रिस्क बहुत कम होना चाहिए हमेशा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जो भी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोग हैं वही रिसर्च करें, बेनिफिट मैक्सिमम हो। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, मतलब हमेशा कोई ना कोई उसको वॉच करते रहे, रिव्यू करते रहे जो आपका रिसर्च हो। उसके बाद जो है आपका जो ये है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए, आप किसी कोई अपना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के कारण तो रिसर्च में इंगेज नहीं है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है रिसर्च के लिए, ये कुछ सही होगा गलत होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलेगा। और लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो इसमें जनरल इथिकल इश्यू क्या है, बेनिफिट रिसर्च में जैसा शुरू में जो बोले वही यहाँ पर लिखा हुआ है सब इस तरह से। उसके बाद एथिकल रिव्यू प्रोसीजर, ये इंपॉर्टेंट थिंग है इसलिए इसको इंक्लूड किए हैं यहाँ पर, कि ऑल रिसर्च शुड ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू एथिकल रिव्यू बाय ए कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और एथिकल कमिटी प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द स्टडी और ट्रायल। जितना भी रिसर्च है, चाहे कोई भी रिसर्च हो, किसी भी तरह का रिसर्च, आपको लगता है कि वहां पर एथिकल रिव्यू लेने, एथिकल क्लियरेंस लेने का जरूरत नहीं है, तब भी आपको उसको एथिकल बोर्ड में, एथिकल कमिटी के सामने उसको रखना है। एथिकल कमिटी डिसाइड करेगा कि किसको हम रिव्यू करेंगे, किसको रिव्यू नहीं करेंगे। जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि जो हम मान लो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हैं या फिर सर्वे कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अब लेकिन सब लोग उसके लिए एथिकल क्लियरेंस नहीं लेता, आईसी को सामने सबमिट नहीं करता, लेकिन वो सही नहीं है, आपको आईसी में सबमिट करना है। वो लोग बोल देगा कि नहीं, इसका जरूरत नहीं है एथिकल ये रिव्यू का, तो ठीक है उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इसका जरूरत नहीं है। सच रिव्यू एंड मॉनिटरिंग बाय द कमिटी बोर्ड इंश्योर दैट द एथिकल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस पुट फॉर्थ इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल गाइडलाइन आर फॉलो बाय द रिसर्चर। आईसी मेंबर का यही वर्क है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखे कि सारा गाइडलाइन, एथिकल गाइडलाइन फॉलो हो रहा है कि नहीं। और कमिटी जो है हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, मल्टी सेक्टोरल होना चाहिए, जिससे कि सब तरह का रिव्यू मिले, सब तरह का सजेशन मिले। इसका जो कंपोजिशन है ये इंपॉर्टेंट है, हर लोग को जानना चाहिए। मिनिमम 7 से 15 तक लोग इसमें हो सकते हैं, इस कमिटी में एक चेयर, इसमें जो 2 लोग है वो पक्का, वो एकदम इंस्टीट्यूट के नहीं होने चाहिए, जैसे चेयर पर्सन एंड ले पर्सन, ये 2 लोग हमेशा आउटसाइड के ही होने चाहिए। उसके अलावा मेंबर सेक्रेटरी जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेंबर सेक्रेटरी नहीं बन सकता है, हमेशा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है एपलेंट बॉडी होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ शिकायत, कुछ भी अपील करना है तो आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हैं, बट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कांट बी द मेंबर सेक्रेटरी। उसके अलावा इसमें बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट होते हैं, क्लिनिशियन होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट, फिलोसोफर, थियोलॉजियन, ये लोग इसके मेंबर होते हैं। इसमें मेन ध्यान देने का बात है, चेयर पर्सन ले पर्सन हमेशा आउटसाइड का होना चाहिए और मेंबर सेक्रेटरी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। अब इसमें एथिकल रिव्यू कैसे होता है, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन, एक फॉर्मेट होता है, उसमें एप्लीकेशन डालते हैं कि हम इस तरह का रिसर्च करना चाहते हैं। उसका जो आईसी का जो ऑफिस है वो देखेगा, सेक्रेटरी जो है वो देखेगा कि इस रिव्यू को हम एग्जेम्प्ट कर दें, इसको एक्सपेडाइट रिव्यू कर दें या फिर फुल कमिटी रिव्यू का जरूरत है इसको। वैसा रिसर्च जिसमें कि लेस देन मिनिमल रिस्क हो, मतलब मिनिमम से भी लेस रिस्क अगर है तो उसको वो लोग बोलेगा चलो ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हैं जहां पर कि आप किसी भी पर्सन का नेम रिवील नहीं होगा, आइडेंटिटी रिवील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा है जो एक्सपेडाइट रिव्यू, ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई सेंट्रली एथिकल कमिटी वहां से अप्रूव हो चुका है आपका, फिर आप लोकली जहां करना चाह रहे हैं
क्योंकि आईसी का ऐसा प्रोसीजर है कि आपका कुछ किलोमीटर है, शायद 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर ऐसा कुछ किलोमीटर, उसके उस आईसी के आसपास ही उतने किलोमीटर में ही आप रिसर्च कर सकते हैं, या 20 कुछ ऐसे, वो एग्जैक्टली हम किलोमीटर में भूल गया हूँ अभी। तो उस वैसे तो आपको लोकली, मान लीजिए आपका जैसे हमारा सीसीआरएच है दिल्ली से, अगर वो एथिकली वो अप्रूव भी हो गया, लेकिन अगर हमको पटना में करना है तो फिर हम वहां के लिए वहां का एथिकल बॉडी से अप्रूवल लेना होगा हमको, तो उसको वो लोग एक्सपेडाइट रिव्यू कर देगा। ऑलरेडी वहां से रिव्यू मतलब आईसी अप्रूव्ड है, तो चलो यहाँ पर एक्सपेडाइट हम कर देते हैं। उसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी दो लोग मिलकर डिस्कस करके उसको सर्टिफिकेट दे सकता है, लेकिन उसमें यह है कि नेक्स्ट टाइम जब फुल कमिटी मीटिंग होगा उसमें उसको प्रेजेंट करना है कि इस तरह से एक प्रपोजल आया था, उसको हम लोगों ने एक्सपेडाइट कर दिया है। उसका फुल कमिटी रिव्यू, जहां इसके अलावा जो भी, जहां मोर देन मिनिमम, जहां मिनिमम से भी, मिनिमम से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो उसको फुल कमिटी रिव्यू मस्ट है। और उसके बाद ये सब होने, स्क्रीनिंग होने के बाद आईसी रिव्यू करता है उसको। अब आईसी वही सारा चीज देखता है, इसका सोशल वैल्यू क्या है, बेनिफिट रिस्क असेसमेंट क्या है, पार्टिसिपेंट को जो कंपनसेशन कुछ मिल रहा है कि नहीं, मान लो उसको आने जाने में जो खर्च हो रहा है, उसको जो मान लो ब्लड दिया कुछ दिया, उसके लिए कुछ फूड वगैरह मिल रहे हैं, वो सब देखता है वो। उसके बाद कम्युनिटी कंसिडरेशन, कम्युनिटी को इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है साइंटिस्ट का जो इसमें इन्वॉल्व है। उसका कैसा इवन एथिकल के अलावा वो साइंटिफिक डिजाइन को भी देख रिव्यू कर सकता है कि आपका साइंटिफिकली ये साउंड नहीं है रिसर्च, उसको भी वो रिव्यू कर सकता है अदर देन एथिकल थिंग। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, कैसे आप पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, कैसे रिक्रूट कर रहे हैं रिसर्च में, उसके बाद कैसे आप प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट आप ऑब्टेन कर रहे हैं कि नहीं, और उसका क्वालिफिकेशन क्या है जो रिसर्च कर रहा है, और कैसे आप उसको मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह करेंगे जब अगर कुछ इंजरी वगैरह होता है किसी पार्टिसिपेंट को। अब इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस, जो कि हर रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डब्ल्यू जो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है वो डिफाइन करता है इसको, इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस को, अ फ्रीली टेकन डिसीजन बाय अ पार्टिसिपेंट रिसर्च सब्जेक्ट वेदर और नॉट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सच पार्टिसिपेशन फॉर द पर्सन इन्वॉल्व। मतलब वो फ्रीली इंडिपेंडेंट है डिसाइड करने के लिए कि हम इस रिसर्च में पार्टिसिपेंट करें या नहीं करें, आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग केयरफुली कि इसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो इन्फॉर्म रिटन कंसेंट मैंडेटरी है। अगर कोई आदमी नहीं कैपेबल है देने का, जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर कोई मान लीजिए जैसे कि अब ऐसा रिसर्च जो कि कोई अनकॉन्शस पेशेंट पे हो रहा है, तो उस दरमियान उसके लिए एक होता है, या फिर कोई बच्चा है, बच्चा लोग नहीं दे सकता है जो कि एडल्ट एडल्ट से 18 ईयर से कम है, तो उसके लिए एक होता है लीगली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसका कंसर्न लेना मस्ट है। अब इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट दो तरह का होता है, एक होता है पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कंसर्न। पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट क्या होता है, जिसमें पूरा हम डिफाइन किए रहते हैं अपना रिसर्च को एक ब्रीफली कि हम क्या करने जा रहे हैं रिसर्च में, इसका पर्पस क्या है, मेथड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, बेनिफिट क्या है, मतलब जो अभी अभी पहले बोले थे वो सब सारा चीज एलिमेंट इसमें होना चाहिए, उसमें पेशेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट शीट में। उसके बाद हम एक सर्टिफिकेट कंसेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं वो देने के बाद, ये जो है आपका जो पेशेंट इंफॉर्मेशन शीट जिसमें हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंट हम पेशेंट से लेते हैं कि यू आर फ्री, हम फ्रीली अपना कंसेंट देते हैं कि हम इस रिसर्च में पार्टिसिपेंट करेंगे। इसमें क्या है, ए फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट ऑन विच द पार्टिसिपेंट गिव्स वॉलेंट्री कंसेंट बाय प्लेसिंग हिज हर सिग्नेचर एंड फुल नेम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इन फुल द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन शीट। एंड इलिटरेट पार्टिसिपेंट कैन प्लेस द लेफ्ट हैंड थंब प्रिंट विच शुड बी विटनेस बाई लिटरेट लीगली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई थंब दे रहा है तो उसके लिए कोई उसका जो जानकार है जो उसका उसको लीगली रिप्रेजेंट कर रहा है वो साइन करेगा, लेकिन मस्ट। उसमें बच्चे के केस में क्या है कि
कि अगर जो 7 साल से नीचे का बच्चा का तो चलो उसका गार्जियन उसका कंसेंट देगा, लेकिन 7 से 12 में गार्जियन कंसेंट देगा, नॉट ओनली 7 से 12, 7 से 18 में गार्जियन कंसेंट लेगा। उसके अलावा बच्चा जो है 7 से 12 साल का जो बच्चा, उससे वर्बली पूछना है कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट, उसको वर्बली बोलना है। और 12 से ऊपर 18 साल तक वाले को एसेंट, वो बोलते हैं उसको कंसेंट को, वो साइन करके देगा कि हाँ हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर उसका उम्र 12 से लेके 18 के बीच में है तब। उसके बाद क्या है, अब ऐसा कोई पार्टिसिपेंट जो कि इनकम्पिटेंट है मेडिकली और लीगली, अब ऐसा जो मान लीजिए लीगली तो बहुत सारा ऐसा हो गया कि जो नहीं दे सकता है, मेडिकली जैसे अनकंसस वाला लोग हो गया वो नहीं दे सकता है, तो उसको LAR, लीगली भी बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है जहां लीगली पेशेंट नहीं दे सकता है रिटन कंसेंट, तो वहाँ एक्चुअली लीगली बोलने का मतलब 18 साल से नीचे वाला मेनली है, तो वहां पर LAR को मतलब एक उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कंसेंट देगा। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, नहीं ये तो हो गया। हेलो हाँ, हेलो, आप बोलिए। हाँ सर हैंग हो गया लग रहा था उसमें। इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाता है सर। हाँ अब एक इसके अलावा और क्या है जो इस दरमियान बीच में एक बार ऑनरेबल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया है कि जो भी स्पेशली जो ड्रग ट्रायल जो भी होगा, क्लिनिकल एंड ड्रग ट्रायल, उसका अब रिटेन के अलावा ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करके कंसेंट लेना है, ऐसा भी रूल है। हम लोग बहुत सारे रूल को बाईपास करते हैं लेकिन ये सब रूल है। हैंग हो गया सर, लेकिन हम बोल देते हैं। बोल अभी तक जितना हम लोग देखे हैं, अभी जो भी आप देख रहे हैं बेसिकली वही इतना मेन प्रोसेस है जो कि एथिकल एथिकल गाइडलाइन हम लोग को फॉलो करना होता है। इसमें अब इसी में एक टर्म आता है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है, जो हम बोले तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस वही है जो भी जो गाइडलाइन अभी हम देखे। उसके अलावा जो ICMR का गाइडलाइन है, CDSCO जो एक हमारा संस्था है इंडिया का, वो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस को डिफाइन, वही इंटरनेशनली जो भी डिफाइंड जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके उसका डिफाइन किया हुआ उसका साइट है। उसके साइट पे अगर आप जाइएगा, ICMR का साइट हुआ, CDSCO का साइट हुआ, WHO का साइट हुआ, तो वहां पर जो भी रिसर्च में क्या क्या फॉलो करना है, कैसे, मेनली वही चीज है कि हम सारे लोग का कंसेंट लेना है, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है, उसको हार्म नहीं होना चाहिए, और उसका जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहना चाहिए, तो इस तरह का जो भी सारा चीज है, इतना बेसिक चीज सारे में फॉलो होता है।
सारा जो रिसर्च है, आप किसी को लालच देके रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। पैसा आप मान लीजिए मॉनेटरी बेनिफिट जो देना है उसमें बस उतना ही देना है जो कि आप उसको जो उसका जो टाइम जा रहा है, उसका जो एनर्जी जा रहा है, उसका जो जितना जो वो लॉस हो रहा है बस उसको आप कंपनसेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च कोई मेडिसिन नया ड्रग हम इन्वेंट करने जा रहे हैं वो बहुत डेंजर है, तुमको हम 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, इस तरह से करके उसको इसमें पार्टिसिपेशन इसमें नहीं करवाना है इस तरह से। तो यही बेसिक था। और सर अगर आप बोलेंगे तो हम ये पूरा ये स्लाइड आपको हम भेज देंगे, बाद में अगर आपको किसी को देना हो तो आप दे दीजिएगा, बाकी 2-4-5 स्लाइड और बचा हुआ था। हाँ ठीक है काशल जी, हम लोग स्लाइड भेज देंगे, हम लोग उसको अपलोड कर देंगे तो सब लोग जिनको देखना है वो देख लेंगे। यस सर, ये बेसिक अगर किसी को कुछ पूछना चाहते हैं जानकारी तो हम अगर मुझे मालूम होगा तो मैं जरूर बताऊंगा अपना सर। कंटिन्यू कीजिए, अपना ऐसे ही कंटिन्यू कर लीजिए, फिर हम लोग इसको बाद में उसको देख लेंगे। हाँ वही हम बोल रहे थे कि अब जो भी कंक्लूड मतलब बेसिकली जो जितना भी अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं तो हम मेन मेन थिंग है कि अभी जो भी रिसर्च हमारे आप तो धीरे धीरे बहुत स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, आप पहले के जैसा नहीं है कि बस इसी तरह किसी को भी इन्वॉल्व कर लिए रिसर्च में, अभी तो आपको बहुत केयर करना होगा किसी को भी इन्वॉल्व करने के लिए, उसको पर्टिकुलरली बताना। अभी सारा लोग पढ़ा लिखा हो गया है, सब लोग पढ़ता है मांगता है, गूगल है जानकारी, उन लोगों को मालूम भी पड़ जाता है कि रिसर्च अगर हो रहा है तो उस रिसर्च में पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे होता है। हेलो कंटिन्यू, हाँ जी सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, तो उस तरह से सर इसको ये करके और जो विशेष जो जानकारी है अगर एक्स्ट्रा कुछ किसी को पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी सर धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, और ये आज थोड़ा टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, बारिश भी यहाँ बहुत हो रहा है सर, इसलिए ऐसा थोड़ा लग रहा है प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू मच सर, स्पेशली सानी सर को धन्यवाद। धन्यवाद हाँ बहुत धन्यवाद कौशल जी, कौशल जी ने अपना एक परिचय दिया कि आरबीटीएस से हैं लेकिन ये इन्होंने एनआईए से एमडी किया है और सीसीआरएच में आज से नहीं तुरंत एमडी कंप्लीट करने के बाद से ही ये सीसीआरएच में ज्वाइन कर लिए और आज अभी केरल में कोट्टयम में ये जो वहाँ का सेंटर है वहाँ पर रिसर्च ऑफिसर का रूप में कार्यरत है। सर मेरे गाइड थे एमडी में, सर ही मेरे गाइड थे उस समय से ही, पूरा एकदम टाइटली एकदम टाइट करके ही, कभी हम लोग को लूज भी नहीं छोड़े कि बस ऐसे ही कर लो रिसर्च, एकदम हर हमेशा फॉलो अप करना क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, एक एक चीज लिख के दो, नहीं तो हम कुछ भी नहीं तुम्हारा करेंगे काम, एकदम सर शुरू से ही एकदम स्ट्रिक्ट रहे हैं। गाइड का काम ही होता है। यस सर यस, और आप वैसे थे इसीलिए तो हम लोग भी थोड़ा बहुत मेहनत करके और भी बहुत सर उस समय से ही हम लोग बहुत स्पेशली इंटरेस्ट लेके सारा चीज सर्च करना, ये करना कैसे रूल क्या रेगुलेशन सारा आपके चीज खुद से संस्थान हम। से आप एनआईएच मैंने जब आपको देखा था तो जो स्टूडियस होते हैं वही रिसर्च में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं। तो आप आरबीटीएस में भी टॉपर थे और यहाँ भी आपने अच्छा टॉप किया है और आप मैं तो देखा हूँ काफी दिनों से आपने कह रहा आपने प्रयास किया है और आज जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपने जो एथिकल कॉन्सेंस की बात कर रहे थे ये आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अभी हाल में सीसीआरएच के द्वारा एक एथिकल कमेटी है, क्योंकि मैं मेंबर भी हूँ पटना सीसीआरएच पटना सेंटर है उसमें मैं एथिकल कमेटी का एक सदस्य भी हूँ, तो ओके मुझे सर, पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें कहा गया था तो मैं भी उसमें सेमिनार में मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे और भी जानकारी मिली। और ऐसे भी मैं पहले से भी जीडी मेमोरियल कॉलेज के एथिकल कमेटी का सेक्रेटरी रहा हूँ यस और सर अभी भी यस हूँ वहाँ पर। तो यस सर ये सब एथिकल जो है इशू आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और मुझे लगता है कि एथिकल के बिना अगर आप समाज में नियम और कानून को साखा पर रख दें, मानवता को दूर रख दें, तो फिर उसको हम लोग इसी चीज को बंधन डालने के लिए बांधने के लिए ये एथिकल वर्क का काम कहा गया है। और हेलसिंकी का जो डिक्लेरेशन है कि
जो भी रिसर्च हो, जो भी हम आजकल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लोग, जैसे हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखते हैं, मतलब भी नहीं है लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अनावश्यक लिख देते हैं। ये सब अनएथिकल अप्रोच है। तो हम लोगों को एक डॉक्टर होने के नाते और खास करके मेडिकल प्रोफेशन में एथिक्स का इम्पोर्टेंट बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट पर, किसी ऐसे चीज पर नहीं काम कर रहे हैं जो कि जिसका कि जीवन से रिलेशन, एक मनुष्य का, और मनुष्य का जीवन कितना बहुमूल्य होता है जिसका कि मूल्य ही नहीं आका जा सकता है, ये अगर इस पर आप कोई काम कर रहे हैं और वो अगर तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एक अपराध होना चाहिए, अपराध के रूप में लेना चाहिए। और मैंने अभी देखा कुछ पीजीटी में अप्रोच किया है कि रिसर्च के लिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के लिए लोग बिना कॉन्सेंट के कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और अपना थेसिस को तैयार करते हैं। तो आज उसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है, आप और कौशल जी बहुत अच्छे तरह से जानते बता रहे होंगे कि पैराग्रीज में एक्ट है ना। तो ये हाँ सब चीज को जो जब इतना बंधन है और आपके, तो हमको लगता है कि कैसे लोग साहस करते हैं इस एथिक्स के विरुद्ध। अगर समाज में रहना है तो समाज में का दायित्व तो होता है कि आप सामाजिक वातावरण को फॉलो करें, और ऐसे भी खाली मैं मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक समाज में अगर आपको रास्ता में भी चल रहे हैं वहां भी एथिक्स का, तो एथिक्स हमारे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है, और जिसका एथिक्स मॉरलिटी नहीं रहा है, हम लोग कहते हैं ना एथिक्स में नहीं रहने का मतलब कि हम लोग का मॉरलिटी मॉरलिटी नहीं होगा, हमारे अंदर में कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, हम अपने को एक अराजकता और क्या कहते हैं उसको, एक एनार्की डिक्टेटर के रूप में जब प्रूव करते हैं वहीं पर हम लोग को ये प्रॉब्लम होता है और उसका अंत हमेशा खराब होता है। और इसमें मेडिकल साइंस में और रिसर्च साइंटिफिक एरेना में ये कितना बड़ा अपराध होगा अगर कोई गलत रिपोर्ट आपने सबमिट कर दिया, और ऐसे आप देखने भी आपको मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहाँ की ड्रग प्रूविंग किया गया और उसके इतने नुकसान हुए, साइड इफेक्ट हुए कि बाद में उसे बैन करना पड़ा। ये क्यों हुआ, बैन करने का नौबत क्यों आया, आपने उसका अच्छे तरह से रिसर्च नहीं किया, आपने उसको का एलोपैथी में भी होता है, एलोपैथी में तो ज्यादा ही हो रहा है कि बहुत सारे ड्रग्स जो पहले बहुत अच्छे माने जाते थे अब वो बैन हो गए। ये बैन होने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि उस पर जो है तो पूरा एथिकल प्रोसेस में नहीं किया गया, कुछ चीजों को छिपा करके किया गया, पारदर्शिता नहीं रही। ये पारदर्शिता रिसर्च का बहुत बड़ा टूल्स होता है, अगर पारदर्शिता रहा तो वह रिसर्च, जैसे हनीमैन का अप्रोच को देखिए, हनीमैन के अप्रोच में उन्होंने कहा कि डेयर टू बी वाइज, कभी भी अपने आप को इतने विरोध होने के बाद भी वो अपने बोले कि नहीं, मैं जो सही जहाँ पर हूँ मनुष्यता के कगार पर वहीं पर रहूंगा। और तो हम लोग को अपने हनीमैन से भी सीखना चाहिए कि हम लोगों को कैसे एथिकल गाइडलाइंस में है, और हम लोग ऑर्गेनन के 5 नंबर 1 में ही लिखा गया मिशन। मिशन का मतलब क्या होता है, हम लोग मिशन को कैसे कैसे लेते हैं, हम लोग ये मिशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसे तैसे करो, आप एक समर्पित भाव होना चाहिए। कोई भी रिसर्च कर रहे हो या रोगी रोगी को देख रहे हो तो वहां पर आपका समर्पण का भाव होना बहुत ही जरूरी है। अगर समर्पण का भाव नहीं है तो फिर आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं मुझे कुछ मिलता नहीं है, मैं मेरे को बहुत ही ये रहता है, तो क्यों, इसलिए कि आप में समर्पित नहीं। कहते हैं दिल से काम करो, दिल से काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। और वहाँ पर दिल से काम करने का मतलब है जैसे एक हम लोग अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है ना, ये मोरलिटी की बात आती है, आत्मा की आवाज सुनना। और एथिकल की बात भी आपकी, आपको कहता है एथिक्स में कि आप अपनी आत्मा की बात को सुनो, अपनी आत्मा की जो आपका, और आत्मा का कभी
आपका जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा वह आपको अच्छे रास्ते में ही रास्ता मार्गदर्शन करेगा। तो आज अपने जो एक साइंटिफिक अप्रोच में जो जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ उसके माध्यम से प्रैक्टिशनर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल क्लिनिक है मेरा रिसर्च का काम नहीं, हम तो एक केस टेकिंग ही करते हैं, वहीं से हमारा रिसर्च प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि एवरी न्यू केस हम लोग देखते हैं हमारे लिए एक नया होता है, और वो नया होता है तो उसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है, और उसमें हमारा अप्रोच भी बना रहता है कि हमको उसमें रहना करना है, तो ये रिसर्च ही है। तो मेडिकल साइंस को अभी हम लोग CCRH में एक डिस्कस कर रहे थे कि और एक सेमिनार भी हम लोगों ने कंडक्ट करा लिए जिसमें कि एजुकेशन एंड रिसर्च ये इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, खास करके मेडिकल एजुकेशन जो है तो वह रिसर्च से इंटरलिंक्ड है। चाहे आप शिक्षा ग्रहण करो, प्रैक्टिस करो या रिसर्चर बनो, कहीं भी जाओ, लेकिन रिसर्च करना आपके जीवन का एक अनिवार्य अंग हो जाता है, और उस अनिवार्यता को समझना हम लोगों को जरूरी होता है, और तभी जा करके आपको आपका मिशन का लक्ष्य जो है तो पूरा होता है। अब कहा कि कहते हैं जो जो लोग अपने मिशन को फॉलो नहीं करते हैं क्या कर रहे हैं, आज समाज में देखिए आपके होम्योपैथी में किस तरह का व्यवहार हो रहा है। आप लोग कहते हो कि नॉन एथिकल प्रैक्टिस हो रहे हैं, बहुत सारे ये हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? हमारे अंदर में एक डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अंदर में एक मोरालिटी नहीं है, हमारे अंदर में एक कैरेक्टर का अभाव बन गया है, ये हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें कही वह रिसर्च के और एथिकल से ही रिलेटेड बातें यह था, और इसको हम लोगों को मैं कौशल जी के लेक्चर के साथ में जोड़ना चाहूँगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और भी कोई लोग कहना चाहते हैं? डॉक्टर मनीष जी, मनीष जी आप चूंकि आप भी बहुत अच्छे आजकल काम कर रहे हैं, डॉक्टर मनीष आजाद, मनीष जी आप नहीं हैं मीटिंग में? ओके, तो हम लोग के पास में 3 मिनट का समय है, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? मैं नहीं देख रहा हूँ किसी को। डॉक्टर अहमद हसन आप बहुत दिनों के बाद हैं, डॉक्टर अहमद हसन जी सर। हाँ सर, आप बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ, कृपया आप भी कुछ अपना मैसेज जी 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 थैंक यू वेरी मच सर के ऊपर जरूरी है। शुरू से ही हम लोग ने देखा, खास करके हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च थे तो वहां पर ये सब चीजों, तो ये बात सही है कि अगर एथिक्स मेडिसिन आपने जो कहा वो सही है और जरूरी है जीवन के हर एथिक्स का रोल, या इसको स्पिरिचुअल आत्मा जो भी कहिए, अगर वो नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर आदमी तो अंडर गाइड नहीं हो सकता, ऊपर वाले का। आप म्यूटेड हैं जी अमर जी, आप जी म्यूटेड हैं। जी 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 सर, वो इंटरनेट था। ऑन बिहाफ ऑफ IFPH एंड आवर रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर्स और सर ऑनरेबल लेक्चर एंड प्लस पार्टिसिपेंट्स, इन सब की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और शुभकामना करता हूं कि इस तरह के टॉपिक्स हमेशा हमारे मार्गदर्शन करेंगे और हमारे चरित्र में भी आगे बढ़ाएंगे, और इसकी जरूरत। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। हाँ थैंक यू अहमद जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और इसी तरह से और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि हम किसी ना किसी रिसर्च ओरिएंटेड लोगों को मैं बुलाऊं। कल भी आपने देखा होगा के अविनाश जी टाइफाइड को, वो भी रिसर्च ऑफिसर हैं, डॉक्टर कौशल जी भी हैं,
इसी तरह से हम लोग रेगुलर कुछ ना कोई रिसर्च ऑफिसर्स को बुलाते रहते हैं, जिससे कि हम लोगों का क्लिनिकल मार्गदर्शन सुन लो। तो इसके साथ में हम लोग का समय अब पूरा हो गया है, हम लोग अब इस मीटिंग को समाप्त करेंगे और कौशल जी को यहाँ पर आने के लिए और हमारे आगरा को, ये हमेशा बोलने पर हमेशा आ जाते हैं, इसके पहले भी एक बार आ चुके हैं वहाँ पर कौशल जी, और उन्होंने हम लोगों को अच्छा मार्गदर्शन किया है। आगे भी आते रहिए कौशल जी, और इसी तरह धन्यवाद से सर, हम लोग धन्यवाद सर, आप बुलाने के लिए धन्यवाद। आप सर रेगुलर जहाँ, आते रहिए, आप रेगुलर तो आते हमारे रहिए। गुरु हैं, जहाँ आप जब भी आज सही मार्गदर्शन करेंगे हमेशा, तो इसमें तो ठीक कोई है, ये तो हम है लोग का नहीं। समय पूरा हो गया है कौशल जी, हम लोग इस मीटिंग धन्यवाद को सर, समाप्त करते हैं और माइक हैंडओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को।